भाई हम अपने स्प्लेंडर पे ये लगा लो 400 किलोमीटर का सफर जलंधर से अटल टनल अपना क्रॉस कर चुके। मनाली में बर्फ नहीं दिखी थी लेकिन यहाँ आके दिल खुश हो गया। ये देखो भाई आइस जम रखी है यहाँ पे। मैं टंकी में से पानी टपका है ना, ये देखो इसकी बर्फ बन चुकी है। ग्रोदरी ग्रोदरी भाई यहाँ कश्मीर से केसर लेके आए भाई, क्या पहचान है इसकी बताओगे थोड़ा? और हमारा चलान कट चुका, चलान कटते ही सब पे हेलमेट आ गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड तुम्हारे भाई का चैनल है थोड़ा सब्सक्राइब कर, नाली से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। तो पहले हम अपने होटल की छत पर खड़े, मूनलाइट होटल का नाम है, आपको कल मैंने बताया बहुत अच्छा होटल है। आज दोबारा बता रहा हूँ, किसी को रूम लेना है यहाँ पर लेना। ये होटल वैसे टूटने वाला है, दोबारा नया बनेगा, पर जब तक आते हो तो तब तक लेना और नया बन जाए तो नए में लेना। प्राइस बहुत जेन्युइन है। और कल मजनू भाई से आपको मिलाया था, अपना फ्रेंड बन चुका है वो। और व्यू चेक करो अब आप यहाँ से, ये देखो बर्फीले माउंटेन दिख तो रहे वहाँ पे, पर बर्फ़ गिरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि सूरज देवता बहुत ऊपर आ चुके हैं। बाकी माल रोड मैंने आपको कल दिखाई दिया था थोड़ा थोड़ा, और आज दिखा देंगे क्योंकि रात को हम गए तो थे पर सूट नहीं करना भूल गया मैं, ऐसे ही खाने पीने में टाइम निकल गया। कल हमने वो ट्राई किया और दो तीन चीज़ें खाई, बाकी बाइक मेरी है जेट्टी की, ठीक है। बाकी गोरा मजनू भाई भाई पर स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। रात को -5 -6 टेम्परेचर चल जाता है। ये देखो ये जो टंकी में से पानी टपका है ना, ये देखो इसकी बर्फ़ बन चुकी है। अच्छा, कैन यू बिलीव इट, करना ही पड़ेगा। तो गाइज नीचे आ गए, ये अपनी बाइकें खड़ी जा रहे, कह रहे पहले बर्फ़ देखनी है, बिजली महादेव कल देख लेंगे या फिर शाम को देखेंगे। तो भाई जाने के लिए रेडी हो गए हैं दोनों, भाई की भाई रेडी है अपना। तो हमारे साथ भाई और मिल गए। भाई क्या नाम है आपका? अनुज कश्यप। ब्रो अनुज कश्यप कहाँ से आप? मैं मेरठ। मेरठ से भाई यूपी गए, भाई भी मेरठ यूपी यूपी भाई। तो भाई भी मिल गए हमारे साथ, मतलब इसी होटल में टिक रखे थे, हमारे साथ वाले रूम है। ऐसे ही बातचीत होते होते भाई कहते लॉन्ग चलते, मैं कहा हम पे दो भाई थे फिर इकट्ठे चलते हैं। तो अब चलते हैं रात से देखना, बाकी तेल डलवाना है इसमें, बंद हो रही है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद। ले 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 ले। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है, बंद है तो। गाइज होटल से निकल लिए थे और अब जैसे ही होटल से निकलते ही हम आ गए हैं 2 किलोमीटर बाहर मनाली से, और साथ में चल रही है हमारी ब्यास रिवर। गाइज ये देखो यहाँ पहुँच गए, अटल टनल है यहाँ से 20 किलोमीटर, और हमारा चलान कट चुका, चलान कटते ही सब पे हेलमेट आ गया। पहले तो और में जा रहे थे, नहीं कुछ नहीं होगा, पर बाकी स्टोरी वहां पहुंच के बताता हूँ, ठंड सी लग रही है। तो रुको जरा, सबर करो। किसनो बहन तो पढ़ती हुई और मिल जाते बस एक बार, सुनो ही किए तो दर्शन ना है रे, नहीं तो मौज ही अलग आती। गाइस तो अभी थोड़ी सी आगे आए हैं 2-4 किलोमीटर, जबकि पहले पेट्रोल पंप भाई दो उन्होंने निकाल दिए, पता ना कैसे देख के चला रहे हैं, पता ही ना लगी। तो अभी पीछे पेट्रोल भरवाने गए, तो वो आएंगे तो निकलते हैं। फोटो गाइस मनाली से कुछ 10 किलोमीटर ऊपर आ गए, यहाँ पे एक मैगी चाय स्टॉल है, यहाँ पे चाय बोली है सबके लिए, हेलमेट आ गए। ये व्यू है सिलोंग वैली है, ये तो सिलोंग विलेज। तो अभी यहाँ पर भी बर्फ़ नहीं पड़ी है, बर्फ़ अब मिलेगी हल्की पतरी तो रोहतांग पास के आगे, और मेन स्नोफॉल ये तो फिर सुसु से आगे जाना पड़ेगा। बाकी गड्डियाँ यहाँ पे सही चल रही है, और चलान हमने अपना माल रोड पे कटा लिया है। अगर वहाँ नहीं कटता तो रास्ते में अटल टनल तक हमारा कटना ही कटना था बिना हेलमेट, तो ले लिया हमने। 1000-1000 की चपेट लगी, वो ऑनलाइन कटवाया हमने, जो कैश तो फिर वहाँ देते तो फिर यहाँ रहने के खत्म हो जाते थे, पर चलो कोई नहीं, पहला चलाना है अपना हिमाचल चाय पी ले फिर निकलते हैं। गाइज हम ना यहाँ सिलोंग विलेज खड़े थे, भाई क्या नाम है आपका? ग्रोदरी। ग्रोदरी भाई यहाँ कश्मीर से केसर लेके आए, भाई क्या पहचान है इसकी बताओगे थोड़ा? देखो तो यही है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाला तो येलो हो जाता है। जो केसर ओरिजिनल होगा ना, बेस इसका पानी में डिजोल करो, जो ओरिजिनल होगा एक पत्ती नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल डिजोल हो जाएगा, जो बेचने वाले ने पूरा गल जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा।
गाइज फाइनली अटल टनल पहुंच चुके हैं। बाइक बहुत जोर का रही है, आगे तो आओ, दो लेने हमने, एक और ने लेने, वहाँ हमने अपनी बाइक खड़ी की है। यहाँ थोड़ा रील रूल बनाएंगे और ग्लव्स लेने, मेरे पे ग्लव भी है तो ग्लव ले लेते हैं। स्टार्ट भाई, हम अपनी स्प्लेंडर पे ये लगा लो 400 किलोमीटर का सफ़र। जलंधर से अटल टनल अपना क्रॉस कर चुके, हमको टाइम लग गया यहाँ पे कोई 10-1 घंटे आने में लग गए, बाकी बाइक में बहुत साथ दिया यहाँ पर खड़ी है। अब थोड़ा सा चढ़ाई पर ज़्यादा पे और ज़्यादा चढ़ाई पर थोड़ी कम देने लगी है, पर मज़ा आ रहा है। तो अभी वहाँ पर बर्फ आएगी, बाकी अटल टनल के उधर क्रॉस करके देखते हैं तो बर्फ मिल जाए, बाकी वीडियो ओवर चले तो लाइक कर देना। हम चार भाई हैं, मिलाया आप लोगों से, बाकी वहाँ जाके बातचीत करते, सांस थोड़ी कम आ रही है, बाकी अपने सिस्टम पूरा है यहाँ पर। और अगर रील देखनी है यहाँ की, मैं बहुत क्लियर इंस्टा आई होगी, जहाँ पर वो स्प्लेंडर की अपनी आग लगा रही है। तो गाइज़ ये हम अटल टनल के अंदर एंटर हो गए हैं। कुछ 10-12 किलोमीटर लंबी ये टनल है। पुलिस वालों ने नॉर्मल चेकिंग की क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने लग गया आजकल, तो वो फटाफट चेकिंग करते हैं। और 2 से 3 बोतल आप दारू की अंदर ले जा सकते हो, अलाउड है आपको, उससे ज़्यादा नहीं है। तो पुलिस की तरफ से कोई ज़्यादा चेकिंग है नहीं, बाकी बाहर मिलते हैं आपसे। तो गाइज़ ये हम अटल टनल से बाहर निकलने वाले हैं और आप व्यू चेक करना, देखो यहाँ तो तब भी सूखे पहाड़ है, अभी उधर साइड देखोगे तो पूरे बर्फ़ के ही बर्फ़ के पहाड़ है। मतलब वन लाइफ का वन टाइम एक्सपीरियंस करने वाली जगह है ये। और अगर हो सके तो बाइक पे आओ, देखो यहाँ बाइकर भी खड़े लेफ्ट साइड में, मतलब बहुत ही प्यारी जगह है और इतना मज़ा आएगा ना आपको राइड करने में, और बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे वैसे पुलिस वाले ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए हमको आगे जाना पड़ेगा फटाफट, बाकी आप व्यू। गाइज अटल टनल पार हो गई है, हमें मनाली में बर्फ़ नहीं दिखी थी, लेकिन यहाँ आके दिल खुश हो गया। अपनी स्प्लेंडर पे हम 400 किलोमीटर दूर आ गए भाई के साथ, भाई मतलब वर्थ इट है। और यहाँ पे धूप भी है तो ठंड भी नहीं लगेगी, बाकी ग्लव हमने ख़रीद लिए थे, और अब कहीं बैठ के कुछ खाएंगे और थोड़ा सा पियेंगे, तभी मस्ती आएंगी। अभी 2-3 घंटे स्टे करेंगे, बाकी बाइक ने बहुत साथ दिया यार, मज़ा आ गया। पहली बार रोहतांग आए हम तो, चलें भाई, उनको सूट करना है सबको भाई। ये देखो भाई आइस जम रखी है यहाँ पे, मैं उतर गया, मैं कहा भाई आप पैदल ले जाओ, यहीं आप थोड़ी देर स्टे करेंगे ना, तो पैर फिसलने का डर रहता है, जोर रिस्क लेना। बाकी व्यू इज अमेजिंग भाई, यहाँ पे रील बहुत तगड़ी बनेंगी, इसीलिए कह रहा हूँ आप एक बार रील चेक करना कितनी, आपके भाई ने कह रहा आग लगा देनी है, इतनी रील बना लेनी है, यहीं से फेमस हो जाना। तो गाइज ये हम अटल टनल से निकल गए और शिशु की तरफ जा रहे हैं। अटल टनल से शिशु का रास्ता होगा कोई 10-1 किलोमीटर का, बल्कि रास्ता इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल है ना, मतलब मैं जितना आपको बताऊं उतना कम है। जहां तक आप देखोगे आपको पहाड़ी पहाड़ और बर्फ ही बर्फ दिखेगी दोनों साइड, सारे वाटरफॉल सब कुछ जम रखा। गाइज रोहतांग पास से कुछ 10 किलोमीटर ऊपर आ गए, बाइक के नीचे लगा दिए, ऊपर अब पैदल जाना है, यहाँ बाइक अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ से आगे ब्लैक आइस जम रखी है। अगर आपको जूम करके दिखाऊँ वहाँ कहीं, तो वहाँ सिर्फ लोग ही जा सकते हैं चल के, और कुछ नहीं है। बाकी यहीं पे कहीं बर्फ़ में खेलेंगे, मैगी मूगी कुछ खाएंगे, व्यू एंजॉय करेंगे एंड मस्ती करेंगे, और जनता बहुत है गाइस। अभी हमने 2-3 लड़कियाँ देखी वन पीस में भाई, वन पीस में रहेगा यार, लोग पता नहीं क्या ही खाते हैं, कहाँ से आते हैं, बाकी अमेजिंग यार। ये देखो भाई झरना पूरा जम रखा है। मैं और जैकी भाई अपना यहाँ रोहतांग से आगे आगे बर्फ़ ढूंढते पता नहीं कहाँ आगे, पर आगे यहाँ पे ये थोड़ी 2-4 एक्टिविटी हो रही है, ये पूरी बाहर बर्फ़ पड़ी है। शिशु पे आगे आगे बोले नहीं, शिशु इससे थोड़ी आगे है, शिशु नहीं, नहीं, पीछे था जहाँ पे हम पीछे था। बाकी यहाँ हमने शिशु से थोड़ा आगे आगे और यहाँ पे हमने थोड़ा बैठ के मस्ती लेने की सोची, मस्ती हम लेके आए ऊपर वाटरफॉल तक गए जो जम रखा है। देखो उनको दिखाओ, वो जो बड़े पत्थर देख रहे हो वहाँ तक हम गए, वो जम रखा है, वहाँ हमने थोड़ी देर मस्ती ली। बाकी अभी भूख लग रही है तो मैगी खाएंगे यहाँ पे, उसके बाद दोनों भाई
आगे जाएंगे, आगे यानी एक लोकेशन छोड़ रखी है, वहाँ पे हम अपनी दोनों स्प्लेंडर खड़ी करके रीले बनाएंगे। बाकी ब्लॉग अच्छे लग रहे हो लाइक कर, तो वो दोनों भाई अपना वीडियो फोटो खींचने गए, अगर खींच लो हमारे साथ थोड़ा देना होगा। बाइक वाले जेंटलमैन हैं तो सपोर्ट करो कि सारे फिर आगे नहीं आगे रवा करेंगे उससे। बाकी मज़ा आ रहा है और रश बहुत है यहाँ, बहुत रश है गाइस। बाकी आपको उस लोकेशन पे मिलते हैं। खत्म।